केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुनाव आयोग द्वारा सोनबी काशग्यानी पार्लियामेंट के आम चुनावों के अंतिम दौर की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान स्थानीय तिब्बती सांसद के सदस्यों की भी अंतिम निर्वाचन सूची की चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की गई है। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त बांगडू शेरिंग ने कहा कि निर्वाचन नियमों और विनियम के अनुच्छेद 67 के अनुसार उन्होंने 2021 सिक्योंग यानी राष्ट्रपति के अंतिम चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों को चुना है। इसी तरह चुनावी नियमों और विनियम के अनुच्छेद 49 के अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को तिब्बत संसद के चुनाव के लिए स्वैच्छिक उम्मीदवारों के अलावा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित सीटों से दो बार शॉर्टलिस्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से उत्सांग के लिए 20 उम्मीदवार और 3 स्वयंसेवक उम्मीदवार, 20 उम्मीदवार के साथ एक स्वयंसेवक उम्मीदवार और डोमी के उम्मीदवारों के लिए डोमिनोर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 उम्मीदवारों और तिब्बती बौद्ध संप्रदायों और युगडॉन बौन धर्म के 4 स्कूलों के लिए 4 उम्मीदवारों को चुना है। उन्होंने कहा कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उत्तरी अमेरिका के लिए एक स्वयंसेवक उम्मीदवार के अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका में प्रत्येक 4 उम्मीदवार निर्धारित हैं। ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 उम्मीदवारों को चुना गया है। सिक्योंग के लिए 2021 का आम चुनाव और 17वीं तिब्बती संसद के लिए सदस्यों का साल 2011 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा राजनीतिक अधिकार से संन्यास लेने के बाद तिब्बती नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव है जिसे सीटीए चुनाव आयोग सफलतापूर्वक मुकम्मल करेगा। आज जो है मैंने ऑफिशियली जितने भी सिक्योंग और संसद के कैंडिडेट जो है वो जो है हमने आज डिक्लेयर किया हुआ है। सिक्योंग के कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे कौन कौन है और क्या क्राइटेरिया रहा उनको चुनने का? हमने वैसे प्रिलिमिनरी इलेक्शन किया था और उसके मुताबिक जिन्होंने ज़्यादा वोट पाए हैं तो उसके मुताबिक तिब्बती निर्वाचन आयोग की ओर से मतलब अनाउंस करने के लिए हमने वोट किया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट पाया है मिस्टर पेम्बा सिरिंग जो पहले एक्स चेयरमैन थे तिब्बतन पार्लियामेंट एग्जाल की, और दूसरे नंबर में श्री केसांग ओगासांग जी है। तो ये दोनों जो है आज के सिक्योंग के कैंडिडेट होंगे। केसांग दोरजी किसान दो जो और कितने वोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आज तक ने भी पंजीकृत हुए हैं, पंजीकृत में 82,000 कुछ पंजीकृत हुआ है और सभी लोग जो है इसमें शामिल होंगे। फाइनल इलेक्शन कब है और रिजल्ट कब आएगा? फाइनल जो इलेक्शन जो है वो हमने 11 अप्रैल 2021 को रखा है और इसके रिजल्ट जो है वो 14 मई 2021 में हो जाएंगे।